जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे पौष मास की पूर्णिमा के बारे में। पौष मास की पूर्णिमा इस वर्ष यानी कि 2020 में कब है और पौष मास की पूर्णिमा की पूजा विधि किस तरह से करनी चाहिए, इसके महत्व को जानेंगे, पूजन मुहूर्त को भी जानेंगे। इस दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखना है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जान पहचान के लोगों के साथ आप शेयर जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट में अपने इष्ट देव भगवान का नाम आप जरूर से लिखें, ताकि उनकी असीम कृपा जो है वो आपको सदा सदा के लिए मिलती रहे। दोस्तों जब भी आप किसी भी व्रत कथा या पूजा विधि का श्रवण करते हैं तो उसके साथ आप कमेंट में उन इष्ट देव का नाम आप जरूर से लिखें। तो लियो जान लेते हैं पौष मास की पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों इस वर्ष 2020 में 10 जनवरी को पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पड़ेगी और इस दिन वार है शुक्रवार का दोस्तों। और इसके साथ ही प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत भी हो जाएगी, जो कि 21 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक रहेगा। दोस्तों शास्त्रों में पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान और दान और व्रत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। दोस्तों इसी दिन से गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान दान और सूर्यदेव को अर्घ देकर विधि पूर्वक व्रत रखने का विधान है। दोस्तों माना जाता है कि आज के दिन यानी कि इस पवित्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति का तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं और व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों पौष पूर्णिमा के दिन हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो तो अपने घर की बाल्टी में पहले गंगा जल डालें और फिर उसके अंदर जो नॉर्मल अपने नल का जो पानी वो मिक्स करें, ताकि पूरा का पूरा जल गंगा जल बन जाए। और इस पवित्र जल से आपने किसी तिल के तेल का इस्तेमाल करना या तिलों का ऑप्टन जो है वो लगाते हुए आपने इस दिन स्नान करना चाहिए। दोस्तों इस दिन पूर्णिमा का जो पूजा मुहूर्त है वो शुरू होगा, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी को 2:34 पे और ये समाप्त होगी 11 जनवरी को रात 12:51 पे। दोस्तों पूर्णिमा जो सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है और इस दिन की पूजा मोक्षदायिनी मानी जाती है। पौष पूर्णिमा के साथ जैसे माघ महीने की शुरुआत भी होती है और माघ महीने के लिए किए जाने वाले स्नान की शुरुआत भी पौष पूर्णिमा से ही होती है। और शास्त्रों में इसको लेकर कई मान्यताएं हैं। जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मृत्यु के चक्कर से दोस्तों उसे छुटकारा मिल जाता है, यानी कि उसे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों इस दिन से कोई भी काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इस दिन जो भी व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है उन सभी स्त्रियों को पूर्णमासी के दिन व्रत जरूर से करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल नियम है। सबसे पहला नियम तो है कि इस दिन आपने जल्दी उठना है और स्नान के जल में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल मिक्स करके गंगा नदी इत्यादि नदियों का स्मरण करते हुए आपने तिल के तेल का या तिल के उपटन का इस्तेमाल करते हुए स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद दोस्तों आपने घर की मंदिर की सफाई करने के बाद में सबसे पहला काम है आपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद में आपने प्रथम पूज्य प्रत्यक्ष देव भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपने तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है, उसमें थोड़ी सी रोली या कुमकुम मिक्स कर लेनी है, लाल पुष्प लेकर आपने भगवान भास्कर की पूजा करनी है और फिर वरुण देव यानी कि जल देवता को प्रणाम करना है आपने। और इसके साथ ही दोस्तों भगवान सूर्य देव की पूजा जो है आपने मंत्रों के साथ करनी चाहिए। ओम धृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपने सूर्य देव को जो नमन करना चाहिए। और दोस्तों इस दिन यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को आपने गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, तिल गुड़ कंबल इत्यादि का दान करना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु देव के साथ में इंद्र और महालक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इसके लिए आपने घी के दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। घी अगर हो सके तो आपने गाय का घी ही इस्तेमाल करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की गंध और पुष्प से आपने पूजा करनी चाहिए। हो सके दोस्तों इस दिन आपने खीर का जो है वो भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो व्यक्ति संसार के सभी सुखों को पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण भगवान
भगवान की पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों जो पूर्णमासी का व्रत नियम से करते हैं उन्हें इस दिन पूर्णमासी व्रत की कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। रात के समय चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देने के लिए जल में आपने कच्चा दूध मिक्स करके पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर आपने चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। दोस्तों ये थी पौष मास की पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन आपने पूरे मन से दोस्तों भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आजमाई हुई बात है कि जो व्यक्ति नियम से पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा जिस घर में पूर्णिमा के दिन होती है वहाँ पर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। दोस्तों करके एक बार जरूर से देखें। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली में जान पहचान के लोगों के साथ अपने शेयर जरूर से करना। अपना देश चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जरूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी।